आपने जो है एक प्रार्थना पत्र दिया है सीओ फरीदपुर के लिए, उसमें आपने लिखा है कि अगर 26 तारीख को तक आपकी जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप 26 जनवरी के दिन थाना गेट पर आत्महत्या कर लेंगी, ऐसा आपने क्यों कहा है, क्यों धमकी दी है? धमकी दी है, बहुत मजबूर है हम, हमारे साथ में बलात्कार हुआ है 20 तारीख को और 21 को मैंने FIR दर्ज करा पूर्वी का, तो उन लोगों ने मेरे साथ में जो बोला जो झूठा है, जो झूठी जो FIR बदल के दूसरा लेके आया। किसने किया था बलात्कार आपके साथ? मोबिन और रिजवान ने करा है। ये कहाँ का रहने वाला है? जो शाहजहानपुर चार खंबा का रहने वाला, शाहजहानपुर रहने वाला है। तो ये घटना आपके साथ कितने दिन पहले हुई थी? 20 तारीख को हुई थी। कौन से महीने में, कितने दिन पहले घटना आपके साथ हुई है? दो महीने पहले हुई है। तो आपने थाना पते में रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो किस धारा में रिपोर्ट लिखी गई है? 354 लिखी गई, 354 में लिखी है, 376 की रिपोर्ट नहीं लिखी है, 376 की लिखा है नहीं। तो इस मामले में आपने पुलिस से कहा है कि आपने धारा क्यों नहीं बढ़ाई हमारी इस मामले में? इशरत अली धमकी दे रहा। ये कौन है इशरत अली? इशरत अली दरोगा है। दरोगा जी है, तो ये क्या कह रहे हैं आपसे? धमकी दे रहा है, तू झूठी कह रहा है, जब वो कह रहा है और तुझे जेल में भेजेंगे, तेरे आदमी को जेल में भेजेंगे। अच्छा, मारने की धमकी दे रही है, गंदे गंदे गाली दे रही है आपको। जिसने आपके साथ घटना घटित की है कि वो युवक अभी जेल में है या बाहर है? बाहर है। क्या प्रयास कर रहा है? वो क्या कह रहा है आपसे? बहुत मारने की धमकी दे रही है, अगर मेरे नाम पर जेल में भेजेगा मुझे तो तुझे भी मार देंगे, तेरी वाली बच्चा को भी साथ में मार देंगे। अच्छा, अगर वो कार्रवाई होती है उसके खिलाफ तो आपको मार देंगे, ऐसा कह रहा है वो? तो जो है आपने अब क्या कार्रवाई की है सीओ साहब के यहाँ जा करके? सीओ साहब के यहाँ बहुत परेशानों की कार्रवाई करके आई है, अगर हमारा फतेहगंज पूर्वी की अगर सुनवाई नहीं हुआ जो FIR लिखाया है तो हम 24 तारीख को अपनी, कितनी तारीख को? 26 तारीख को अपनी सुसाइड करने की इंतजार कर रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत परेशान है, मैं तो ये चाहूँगा जो हमारे साथ में हुआ है उसकी सजा जरूर मिलना चाहिए। ठीक है।